अनदर ब्लॉक ऑफ ओल्ड स्कूल गेमर। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हम लोग खेल रहे थे वर्ल्ड वॉर जी, और वर्ल्ड वॉर जी में हम लोगों ने जो था स्टार्ट किया था अपना न्यूयॉर्क का एपिसोड। तो न्यूयॉर्क का एपिसोड जो है जहाँ से छोड़ा था वहाँ से वापस शुरू करते हैं। तो वही गेम में आके वापस से ऑफलाइन मोड में जाइए। न्यूयॉर्क सेलेक्ट करके हमने जो लास्ट टाइम डेसेंट टनल विजन पूरा कर लिया था। टनल विजन के बाद जो है हमारा नेक्स्ट एपिसोड है हेल एंड हाई वाटर। इसमें जो है तो मैं पिछली बार जो है आर्नेटा एंड तशॉन से खेल लिया था। सो अब इस बार जो हम नया करेक्टर यूज़ करते हैं, सो चेक करते हैं बंको। चलो बंको से ही खेलते हैं आज एंड शुरू करते हैं गेम। रेडी पे क्लिक किया, एपिसोड सेलेक्ट है हमारा हेल एंड हाई वाटर। तो और ये रेडी हो गया है गेम। तो रीच द इवैक्यूएशन सेंटर, तो इसमें इवैक्यूएशन सेंटर के जो है पहुंचना है हमें। देखते हैं गेम स्टार्ट कहाँ से होता है। जब तक गेम स्टार्ट हो रहा है तब तक आप जो है मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी वाला बटन आ रहा होगा उसको जो है प्रेस करके जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास वीडियो पहुँच जाए। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो हमारा गेम स्टार्ट हो गया है एंड ये गेम हमारा शुरू होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो एंटर का बटन प्रेस करके स्किप कर सकते हैं, नहीं तो स्टोरी आप देख सकते हैं। सो चलिए स्किप करते हैं। सो मेरे करेक्टर बंको है इसमें। तो बंको तो सबसे पहले तो लेफ्ट राइट हमेशा चेक कर लेना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ओके, सबसे पहले हमेशा की तरह गन्स को पूरा पूरा जो है लोड कीजिए एंड चलिए देखते हैं कहाँ पर जाना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है हमें जो है ग्रेनेड मिल गए हैं। ई प्रेस करेंगे ग्रेनेड मिल जाएगा एंड यहाँ से हमें बाहर निकलना है। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। यहाँ पे कुछ है तो नहीं। ओके, बटन टू प्रेस किया एंड आगे चलते हैं। सामने हमारे हैं ये, देखते हैं तो नीचे उतरना है ये रिच जहाँ पे स्टार वाला पॉइंट आ रहा है। हमेशा की तरह हमें उसी की तरफ दौड़ना होता है। तो ये ज़ॉम्बी आ रहा है मेरी तरफ। तो गड़बड़ मेरी एंड से ही रिफिल करेंगे ग्रेनेड्स को एंड चलते हैं आगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रा देखना पड़ेगा ताकि हमें कुछ ना कुछ जो है चीज़ें मिलती रहें इस मिशन में। मुझे लग रहा है मिशन लंबा होने वाला है। तो जैसे ही इस पॉइंट पर पहुँचे कि हमें नए पॉइंट पर पहुँचना है इसके बाद। ओहो, डरा दिया। सो कुछ है वहाँ पे। We can't stay out in the open. Check out those warehouses on the right. I'll take it. पकड़ लिया है वापस मुझे इसने। मारो गोली इसको। गन को रीलोड करेंगे। कहाँ पहुंच रहे हैं? Eyes open, you gotta hide it. Heads up! Came out of nowhere. इसी गन को लेके चलते हैं आगे एंड यहाँ पे ग्रेनेड को फुल करना है तो ऑप्शन नहीं है दो से ज़्यादा ग्रेनेड रखने का।
यहाँ पहुँचना है हमें। ओके, फटाफट जाके इस जगह पे पहुँचो, और जब तक ये जो है कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे। Good enough. Okay. सबसे पहले तो जो हेल्थ हमारी खराब हुई है उसको मेडिकेट से पूरा करो। Slowing us down. Regroup. And I'm good. यहाँ पे जो है मुझे दिख रहा है कि बाकी लोग की हेल्थ भी खराब है, तो एंजल की हेल्थ तो बिल्कुल ही नहीं है, तो एंजल को मेडिकेट अप्लाई करेंगे। Saved my ass. एंड और चलो यहाँ पे तो शॉन की भी जो है हेल्थ सही नहीं है, इनकी हेल्थ भी पूरी करो। ओके, बची आखिरी मेडिकेट, इसको उठाएंगे। एंड एक मिनट, की पैड को यूज करके ओपन करेंगे। क्रीपर डाउन, ओहो बच गए। कहाँ पहुँचना है वो देखो सबसे पहले, तो जल्दी से यहाँ पे आके हमेशा सब अपनी जो है जगह देख लो। मुझे लगता है कि अगर चिल्लाना शुरू करता वापस जाएंगे। एमो को फुल करने की तैयारी करो सबसे पहले, तो एमो हमेशा फुल रखनी है इस गेम में ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं। ओके, तो यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले। तो found a tunnel between the trains. Nothing like tight spaces for fighting Zeke. Fire in the hole. Creeper down. I'm hearing Zeke everywhere. I see a way up. Got it. Let's move, people. ये कहाँ मर रहा है? ओके, चलते हैं फटाफट यहाँ से भागेंगे। हट जाओ सामने से। Reloading. Fire in the hole. ओके, बच गए। तो देखते हैं कोई बेटर गन मिल जाए। तो सिंगल वाली गन नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तगड़ी वाली फाइट होने वाली है। के सबसे पहले तो इस फिर वही अपनी हमेशा वाली आदत, एमो रिफिल करो, मेडिकेट अप्लाई करनी है किसी पे, एंजल पे अप्लाई करने लग रही है। तो आई थिंक
एंजल पर अप्लाई करो मेडिकेट। ओके थैंक्स मैन। एंड मेडिकेट उठाओ अगली। एंड शॉन पे भी जो है वापस अप्लाई करो। एंड अगली मेडिकेट उठाओ और अपने सेव करो। रास्ते दूर हो जाओ। यहाँ पहुंचना था। Creeper neutralized. नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचो फटाफट। गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ। मैं समझ गया यहाँ पे कुछ ना कुछ भसूड़ी होने वाली है लंबी। This will slow him down. Shit! We can't get past this fence. No, no, come on, people. Find us a way out of here. Check it out! The train tracks run right under that gate. The train might smash right through the gate. Yeah, we need more room to build speed. We can back it up. 50 caliber. This will chew him up. Get the train going. चलो बटन दबाओ यहाँ पे फटाफट। I'm at the train controls. Going to reverse at first. ओहो ये कहाँ से चल रही है? तो ये मशीन गन यहाँ पे मिल गई है मेरे को। किसी को मत नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मशीन के द्वारा मिल गई है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बटन, यहाँ पे एक और मेरे को मशीन गन मिल चुकी है। कहाँ जाना है हमें? वापस से कंट्रोल हिट करेंगे। Through the smash gate.
जल्दी से यहाँ पे जाएंगे, बचाओ। तो यहाँ पे ओके। Oh my God. Oh God. Smells disgusting. Shit and decomposing bodies. Bad combo. इसको मारो और गन को रीलोड करो फटाफट। ओके। प्रेस करेंगे बटन। ओके। Just keep moving. We've got to be closer to that point. Gas bag, moving in. Stay clear of the gas. Move to the charge. Reloading. No more bull. इसको मुझसे ज़्यादा प्यार है। तो फटाफट से मेडिकेट अप्लाई करो। नहीं मेडिकेट लो। अगर आर्नेटा ने बोला है तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इसको मेडिकेट दे देनी चाहिए। अगली मेडिकेट जो है आई थिंक एंजल को देनी चाहिए क्योंकि एंजल की हेल्थ बहुत ही कम हो रही है। ओके। Gotta be quiet here. Okay. सबसे पहले तो ammo refill करेंगे हमेशा की तरह। I think मुझे exit मिल गया है। Okay. Roof collapsed in here. चलते हैं चुपचाप आराम से। ये कुछ आई थिंक यहाँ पर जो है What is this place? It's a museum in the park. Okay, ये कोई म्यूजियम सा लग रहा है। Okay. There's enough for everybody. Stay quiet. If they get out, we're screwed. Not good. Be ready to और नीचे देखो भाई, बिना कुछ बकवास किए चल लो वरना बहुत बुरी तरह मरेंगे। Go! Do not stop! मगर चिल्ला रहे हैं कि डू नॉट स्टॉप, तो मतलब डू नॉट स्टॉप ही होगा। They really want to get through that gate. Let's get outside and get our bearings. That never gets easier. Reloading. मुझे लगता है यहाँ से भागना चाहिए। They're bombing the street. फटाफट भागो। फटाफट भागो यहाँ से। ये कुछ मिल रहा है। अच्छा मुझे लगता है कि ये गन ज़्यादा खतरनाक लग रही है मुझे। ओके। तो हमें कहाँ पहुँचना है सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। This isn't looking good. Evac straight ahead. Go. ओहो यहाँ पर देखिए कितने सारे ज़ॉम्बीज मारे गए हैं। तो रुकना नहीं है यहाँ पे फटाफट। Army left auto turrets. Get behind them and turn them. Every bit helps. No, no, we're too late. Oh my God, they have nowhere to run. We gotta find another way out.
जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं बच सकूँ। स्क्रीमर कहाँ चिल्ला रहा है? मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। यहाँ से आई थिंक ये बोट आ जाएगी तो चले निकल जाएंगे हम लोग ऐसे। इससे घटिया गन मुझे अभी तक नहीं लगी कोई। पहली तो टरेट यहाँ लगा लो। Auto turret ready. Shit! I see a creeper. यार यहाँ पे क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मेडिकेट अप्लाई करो बिना बकवास किए और ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका बटन दबाना पड़ेगा। दोबारा से बटन दबाएंगे। ओके अरे बचाओ मुझे।
बेंच स्टॉप हो चुका है, वापस से इसको यार ये बहुत पंगा है यार इसमें तो। अरे मुझे बचाओ, मेडिकेट अप्लाई करो। ओहो चलो जल्दी बचाओ मुझे। दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा। This will chew him up. Did everybody get some? I think the wind stopped. Check it out. Okay, bach gaya, bach gaya, bach gaya, shayad. Mujhe lagta hai is bari mein jo I think pura ho jayega. है कि एक आदमी टिकट लेना बहुत जरूरी है। Help. I'm on the ground. Somebody help. It's enough for everybody. I'm down. Not gonna make it. Please. I got you, buddy. Help. Reloading. चलो फटाफट भागना शुरू करो। बोट आ चुकी है एंड आई थिंक जैसे ही बोट में पहुंचेंगे मिशन खत्म हो जाएगा। बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए भाई लोगों। It's just pissing them off. Like kicking an anthill. जहाँ तक मुझे लगता है कि अब यहाँ से जब हम बच गए हैं तो और कुछ आएगा नहीं यहाँ पे पंगा। बच गए बच गए बच गए और फाइनली हमारे स्टैट्स आ चुके हैं। एज यूजुअल मैंने हमेशा का निकनेम अपना नहीं यूज़ किया कोई भी, लेकिन मेरे आप स्टार्ट दे सकते हैं। पोस्ट मैच वाले एकदम क्लास प्रोग्रेस तो डेमोलिशन एक्सपर्ट हेड हंटर जहाँ पे मारने वाला हिसाब किताब है वहाँ तो मैंने किसी को मतलब बख्शा नहीं है। गन स्लिंगर वाला मेरे एक लेवल पूरा हो चुका है आई थिंक, तो बच गया आई थिंक ये लेवल थोड़ा सा बच गया। और 400 परफॉर्मेंस मिला, देखते हैं कुछ अनलॉक हुआ यहाँ पे। फ्रंट लाइन सप्लाई एड्रेनलिन यानी कि स्पीड, ओके कौन सी गन मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करी है। ओके SMG आ गई है, असॉल्ट राइफल आई थिंक ये वाली गन मैंने बहुत यूज़ कर दी आई थिंक आई सिर्फ 11 XP। ओहो ये तो गलत बात है।
आई थिंक। लेकिन मज़ा बहुत आया इस गेम खेलने में एंड लेकिन मुझे लगा ये जो करेक्टर है बंको वाला, आई थिंक ये वीकर करेक्टर है इस गेम में, तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको नहीं लूँगा बिकॉज इसके साथ में जो है दो तीन बार जो है आउट ऑफ एमो हो गया। दूसरी चीज़ वो है कि मेरे कई बार जो है कटर के पास जो है जॉम्बीज आ गए, तो नेक्स्ट टाइम नहीं लूँगा। आप बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा ये वाला, ऐसे और वीडियो देखने जुड़ा रही है मेरे चैनल के साथ। ओल्ड स्कूल गेमर आपको ऐसे और वीडियो ला के देगा, जस्ट सब्सक्राइब कर लो चैनल यार और जल्दी से जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। अब मिलेंगे हम इसके अगले चैप्टर में, ठीक है, तो तब तक ले बने रहिए। मैं हूँ ओल्ड स्कूल गेमर।